ये किस तरीके से रहने वाली है आप चेक कर सकते हैं। डाई वाली फ्लोरिंग है प्रॉपर, हर गाड़ी की उसी के डायफ्राम में बन के आती है। आपका जो है ये हाई बीम है और ये आपका लो बीम है, तो आपको लाइट का रिस्पॉन्स सामने पता चल जाएगा। कवर जो आप नॉर्मल मार्केट में देखते हो सेम वो वाला कपड़ा नहीं है, उससे अलग कुछ लेदर लुक वाली क्वालिटी है। मैंने अपना जो भी एक्सेसरीज लगवानी थी गाड़ी में उसके लिए रेट इनसे पूछे तो काफी मेरे को सही लगे, रिजनेबल रेट थे। डी आर एल लगने वाली है बॉनेट पे, जो अपनी स्कूप डी आर एल होती है, ये हमारा जो भाई है ये लेकर आ गया, ये देख सकते हो इस तरीके से ये इस पे जो है वैसे चिपक जाएंगे। तो बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में आता है, सेम हमने वही वाली की बनाई है, टाटा की ओरिजिनल चाबी होती है। देखो इसमें पीछे लोगो भी मिल जाएगा एंड इसके अंदर आपको जो है वो ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें ये फ्रंट एंड बैक कैमरा दिखा देगा। अब ये फ्रंट दिखा रहा है, आप देख सकते हो आगे रिक्शे वगैरह जो खड़े हैं, ये रियर दिखा रहा है। आपका रिकॉर्डिंग भी करेगा तो आप उसको डैश कैम के मतलब यूज़ में भी ले सकते हैं। वेलकम टू नीलेश कार एक्सेसरीज। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो मेरे सामने ये टाटा पंच का बेस वेरिएंट प्योर रहने वाला है और इसमें आपकी जो है वो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो लग रही हैं, एक्सेसरीज हो गया है, जो भी आपको डेली लाइफ यूज़ में मॉडिफिकेशन चाहिए होता है अपनी बेस मॉडल गाड़ी में वो सारा काम हो रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको वही सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। अब एक बार मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देखोगे व्हील कवर भी लग चुका है उस तरफ, अभी वो भी रह रहा है। और आप फ्रंट से चेक करो, सबसे पहले तो प्योर है ये, प्योर की पहचान क्या है सबसे पहले आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट हटियो दोस्त। प्योर में आपका जो है वो कुछ भी नहीं आता है, हालांकि अभी एंड्रॉयड लग चुका है, ये एंड्रॉयड वगैरह कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे, ये पूरा प्लेन आता है। इवन जो स्टीयरिंग है उस पर भी कोई बटन वगैरह नहीं आते हैं, आप देखोगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी लगे हुए हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें लग चुकी हैं गाड़ी में तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा, बट यहाँ से आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे डी आर एल लगने वाली है बॉनेट पे, जो अपनी स्कूप डी आर एल होती है, ये हमारा जो भाई है ये लेकर आ गया, ये देख सकते हो इस तरीके से ये इस पे जो है वैसे चिपक जाएंगी। एंड जब ये लग जाएंगे तो इसका फाइनल आउटपुट भी दिखाएंगे किस तरीके के लगेगा। किसी को अगर पूरा ये चेंज नहीं करवाना है यूनिट तो ये जो डी आर एल का ये पीस है ये भी लगवा सकता है, इसी के ऊपर ये जो ये चिपक जाएगा, वरना पूरा चेंज कराओगे तो ये पूरा फिर पैनल ही चेंज होता है। हेडलाइट चेंज करानी है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, अभी देख सकते हो इसमें LED डल गई है, नहीं डली है, LED इसके अंदर डल चुकी है। एंड कौन सी डली है यहाँ पे ये देख सकते हो, 130 वाट वाली रहने वाली है। एंड नीचे फॉग लाइट भी जो है वो नहीं आती है इस वाले वेरिएंट में, उसका इंस्टॉलेशन हो गया है, ये आपकी मिंडा की रहने वाली है जिसके अंदर भी LED का जो बल्ब है वो लगा दिया गया है। फॉग और हेडलाइट का जो रिस्पॉन्स है वो चेक करवा देंगे गाड़ी एक बार सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो। इसके अलावा उस तरफ भी अपनी वो जो DRL का काम है वो चल रहा है, जो इंडिकेटर है उसमें इसी में आते हैं। किसी बाइक को क्रोम वगैरह लगवाना है तो वो यहाँ पे लगवा सकते हैं, चिपकने वाले आइटम है। उससे पहले आप देख सकते हो कि ये डोर वाइज़र जो है ये भी लग चुका है, इस पर प्रॉपर आपका पंच का यहाँ पे मार्क है और ये आपका जो है वो थर्ड पार्टी रहने वाला है, आफ्टर मार्केट जिसको बोलते हैं। इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो सीट कवर लग रहे हैं, अब सीट कवर क्योंकि निकले हुए हैं, क्योंकि सीटें निकली हुई हैं तो सीट कवर चढ़ रहे हैं, कस्टमाइज सीट कवर है तो वो बन रहे हैं एंड देन चढ़ रहे हैं, तो उसका जो है वो प्रॉपर टाइम लग रहा है उस चीज़ में। बाकी नीचे आप देखेंगे तो ये प्रॉपर इसमें जो है फ्लोरिंग हो चुकी है, ये किस तरीके से रहने वाली है आप चेक कर सकते हैं। डाई वाली फ्लोरिंग है प्रॉपर, हर गाड़ी की उसी के डायफ्राम में बन के आती है तो ये प्रॉपर फिट हो जाती है। किसी भाई को अगर इससे सस्ती वाली लो क्वालिटी में चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाएगी। बाकी दरवाज़ों पे आप देखोगे तो ये विब्रो का इसमें आपका जो है वो डैम्पिंग लग चुका है, डुअल लेयर है, अंदर भी लगी है एंड आपका जो है वो ऊपर वाले इस पर भी लगी है। सो बेसिकली दो शीट लगती है उसी को डुअल लेयर बोलते हैं ये लोग। डैप्स का ये यूनिट लगा है, इसकी भी अभी इंस्टॉलेशन चली रही है, इसमें फ्रंट एंड रियर कैमरा भी लगेगा जो कि एक यहाँ पे रहेगा, एक एंड रियर अपना रहेगा जो कि आपका रिकॉर्डिंग भी करेगा, तो आप उसको डैश कैम के मतलब यूज़ में भी ले सकते हैं कि आप फ्रंट एंड रियर कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे, जिसका यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ये लगा नहीं है सो ऐसे दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें एक बार हो जाती हैं। स्पीकर वगैरह भी आप देख सकते हो, JBL के स्टेज शू रहने वाले हैं, पीछे आपका कोई एक्सेल है, आगे कंपोनेंट रहने वाले हैं। एक बार सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें दिखाते हैं। बाकी भाई गाड़ी अपनी तैयार हो गई है, एक बार आपको फाइनल लुक और दिखा देते हैं किस तरीके से लग रही है सामने से। इसके अंदर जो है वो बॉनेट वाली DRL लगाई है जो कि आपको यहाँ से पता चल जाएगी कुछ ऊपर से, और इसका जो लुक है वो देख सकते हो किस तरीके से आ रही है। एंड साथ ही में जो है फॉग लाइट ये भी अपनी LED के साथ आती है, मिंडा वाली है, इसके अंदर LED का बल्ब लगाया हुआ है, पीछे से येलो बल्ब आते हैं, अगर किसी को बल्ब चेंज कराना है तो येलो बल्ब हैं वो स्टैंडर्ड मिलेंगे, और अगर LED लगवा लेंगे तो वाइट लाइट का सेटअप बन जाएगा। और जो व्हील कवर है वो भी आप देख सकते हो किस तरीके से लग रहे हैं एक बार गाड़ी में लगने के बाद। एक बार आपको हेडलाइट का रिस्पॉन्स है वो और दिखा देता हूँ कि हेडलाइट जो है वो अपनी कितनी पावरफुल रहने वाली है। ये जो है अभी आप देख सकते हो, ये आपकी जो है आपका जो है ये हाई बीम है और ये आपका लो बीम है, तो आपको लाइट का रिस्पॉन्स सामने पता चल जाएगा इस तरीके से आ रहा है, और लो बीम पर ही चले सिटी में अगर आप चल रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये है कि वाइट लाइट है तो LED के हिसाब से काफ़ी ब्राइट है, बाकी अगर आप इंडिकेटर वगैरह देंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो। ये जो DRL है ये भी आप देख सकते हो, ये भी ब्लिंक कर रही है जैसे ही आपने इंडिकेटर देंगे लाइट और राइट और लेफ्ट का। इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लग गया है जो कि आपका प्रॉपर टाटा जेन्युइन है, ये सिंक है आप देख सकते हो,
वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें जो है काम कर रही हैं। एंड ये जो स्टीयरिंग है ये लैदर रैप करी गई है, इसकी स्टिचिंग भी आप चेक कर सकते हो किस तरीके से निकल के आ रही है। पूरी गाड़ी का जो इंटीरियर है वो ब्लैक ही रहने वाला है, लाइक सीट कवर से आप देख ही सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। एंड कोई भी ऐसा मेजर कस्टमाइजेशन नहीं करी गई है, अगर आप चाहें तो डैशबोर्ड वगैरह भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, इस वाले पार्ट पे भी लेदर वगैरह लग जाता है। एंड आप देख सकते हो सीट कवर की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से निकल के आई है, प्रॉपर बकेट फिट है। एंड इसका जो ओवरऑल जो कहते हैं ना कि फिट एंड फिनिश है, एंड जो क्वालिटी है मटेरियल है वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आ रहा है। इवन पीछे भी आप देख सकते हो, अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से इसके अंदर हल्की सी वो लेदर वाली शाइन है। तो कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ ही और जो है वो अच्छा लगेगा, लेदर है तो वो वाली फील जो है वो आ जाएगी। बाकी इसका और मैं आपको बता देता हूँ, ये डेप्थ का यूनिट रहने वाला है, इसके अंदर जो है वो फ्रंट एंड बैक कैमरा भी लगाया है। वो कैसे आपको जो है वो देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसका जो टच रिस्पॉन्स है ये काफ़ी बेहतरीन है। एंड इसके अंदर आपको जो है वो ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें ये फ्रंट एंड बैक कैमरा दिखा देगा, अभी ये फ्रंट दिखा रहा है, आप देख सकते हो आगे रिक्शे वगैरह जो खड़े हैं ये रियर दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ सेटअप आप करवा सकते हो। डैश कैम का भी काम करेगा, बट उसके लिए आपको यहाँ पर पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी ताकि वो स्टोरेज जो है वो यूज़ कर सके, इनबिल्ट स्टोरेज में वो यूज़ नहीं करेगा जब आप कुछ रिकॉर्ड करनी होगी। बाकी यहाँ पर एक IRVM लगवाने का भी ऑप्शन है, तो वही है कि आप जैसा बजट चाहो वैसा काम करा सकते हो, आप जो है वो कोटेशन ले सकते हो नरेश भाई को फ़ोन करके कि मेरे को ये काम कराने कितने पैसे लग जाएंगे। बाकी एक अपडेट चाबी में है वो भी मैं आपको दिखा देती है, लॉक अनलॉक वाली आपकी जो चाबी है जैसे ऊपर के वेरिएंट में आती है, इसकी जो फिट एंड फिनिश है ये काफ़ी बेहतरीन है, टाटा को लोगो आता है। एंड ये आपकी RD की सेंट्रल लॉकिंग के साथ है, एक रिमोट मिलेगा एंड इसकी चाबी निकल के इसमें लग गई है, तो आपको ये फ्लिप की वाला जो ओवरऑल है वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। टाटा का ऊपर वाले वेरिएंट में इसी तरीके की आती है चाबियों के साथ, ये अपना लॉक दोनों चीज़ें हैं। तो सेंट्रल लॉकिंग भी तो डाले हो ना? हाँ, सेंट्रल लॉकिंग कौन सी वाली है? RD कंपनी की सेंट्रल लॉकिंग रहने वाली है, 3 साल की वारंटी होगी अपनी प्रॉपर इसमें। ठीक है, कवर जो आप नॉर्मल मार्केट में देखते हो सेम वो वाला कपड़ा नहीं है, उससे अलग कुछ लेदर लुक वाली क्वालिटी है, ब्लैक में ब्लैक और सेम ब्लैक थ्रेडिंग, मतलब पूरा कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर रहने वाला है, ब्लैक इंटीरियर रहने वाले हैं, प्रॉपर है, टच में ही फील हो रहा है ये। आपको वीडियो में पता नहीं कितना अंदाजा लगेगा, लेकिन मेरे को प्रॉपर लेदर वाला फील दे रहा है, परफोरेटेड डिजाइन के साथ देख सकते हो कैसी इसकी फिटिंग आई है, प्रॉपर निकल के एकदम टाइट फिट है ये, बकेट फिट है ना ये, प्रॉपर बकेट फिटिंग है भैया, कहीं से भी कोई सलवट नहीं मिलेगी आगे से लेके पीछे तक, आप चेक कर लेना। और ये नहीं है, दुनिया क्या कहती है बकेट कहती है, बकेट होती नहीं है, पीछे का भी चेक कर सकते हो आप, प्रॉपर टाइट फिटिंग है, कोई सिलवटें वगैरह नहीं आती हैं इसमें। खोलो ये देखो भाई, पीछे के सीट कवर चेक करो, पीछे के लोग मोस्टली दिखाते नहीं हैं क्योंकि वही है ऊपर नीचे होती हैं, एकदम प्रॉपर टाइट फिट है ये, आप देख सकते हो कहीं से भी कोई लूज वगैरह कोई एक्स्ट्रा क्रीच वगैरह नहीं दिखेगी आपको। तो किस बजट का सीट कवर रहने वाला है भाई? ये भैया नॉर्मल जो मार्केट में देखते हो 4,000-4,500 रुपये का क्या होता है, उसमें दो फर्क हो जाते हैं। जो 4,000 रुपये का आपको सीट कवर कहता है उसकी वाली जो राउंडिंग वाली बकेट फिटिंग है ना, वो राउंडिंग नहीं होगी, सीधी हो जाएगी, जो हमारी सेमी बकेट होती है जो हम 2,500-3,000 रुपये में प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर बकेट है, बकेट फिटिंग भी मेरा 4,000 रुपये से स्टार्ट होगी, ये हैवी क्वालिटी में 7,500 रुपये कवर लगेगी। तो ये 7,500 ये 75% की पीछे इसमें आपके ये पॉकेट भी आ जाएंगे जिसमें आप कुछ कुछ सामान रख सकते हो, दोनों ही जो सीट है उसके पीछे। एंड बाकी डोर वगैरह पे कोई अपडेट नहीं रहने वाला है, आप चाहो तो पावर विंडो लगवा सकते हो, पावर विंडो का ऑप्शन है, मैंने पीछे वाली वीडियो में भी दिखलाया था, टाटा के सारे जेन्युइन पार्ट भी दिखलाए थे और सारे के रेट भी बतला रखे, तो पिछली वाली वीडियो देख सकते। बाकी नरेश भाई और क्या अपडेट रहने वाला है इसमें? भैया डोर में हमारी लाइट नहीं आती, हमने यहाँ डोर के नीचे लाइट भी लगाई है, अपने हाथ पे देखेंगे रोशनी आ रही है। ये चेक करो आपको जो है वो लाइक पैरों के पास रोशनी मिल जाएगी, यहाँ पे जो है वो लाइट आ रही है, दोनों डोर दे रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइट आपको फील हो जाएगी किस तरीके से आ रही है। जी काम आपने सारा देख लिया गाड़ी में, एक बार ओनर से मिलते हैं, जानते हैं कि उनको सारा काम कैसे लगा, तो अपना नाम बताइए। थैंक यू, नाम मेरा सत्यदेव है और मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, रोहतक जिले से। तो आप रोहतक से आए हैं करवल बाग नीलेश भाई के पास काम करवाने, कैसे पता चला आपको नीलेश भाई के बारे में? एक्चुअली मेरे को, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था काफी टाइम से, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम होता है, तो उस टाइम मेरे को मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को ये नीलेश भाई के बारे में पता चला, तो मैंने पूरी वीडियो प्रॉपर देखी नीलेश जी की, और उसके बाद मैंने इनको कॉन्टेक्ट किया, इनके फ़ोन पे इनको कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद इनसे मैंने अपना जो भी एसेसरीज लगवानी थी गाड़ी में उसके लिए रेट इनसे पूछे, तो काफ़ी मेरे को सही लगे, रिजनेबल रेट थे जी। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट इन्हीं के पास आया था। तो आप जैसे इतनी दूर से आए तो आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट तो फील नहीं हो रही? काम नहीं, आपको नहीं, सारा सही लगा ना? काम बिल्कुल सही है, काम जो रेट दे रहे हैं उस लेवल पे का काम कर भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर लेवल का ही कर रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट में और भी लोग हैं तो वो रेट दे रहे हैं, रिजनेबल रेट दे रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल वही मैटर भी करता है। तो आपको सारी जो रिक्वायरमेंट थी आपकी सारी मिल गई टाटा पंच की, जो भी आपको सामान चाहिए था। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अभी जो इस टाइम के लिए जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया है, बाकी आगे मैं और भी काम कराऊंगा गाड़ी में, तो फिर भी मैं नीलेश जी के पास ही आऊंगा। तो आप ओवरऑल सेटिस्फाइड? बिल्कुल जी बिल्कुल। नीलेश भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया बोलना क्या, अब इतनी दूर से भी आए थे गाड़ी लेके, पहले भैया ने रेट लिया था मेरे से, व्हाट्सएप पे मैसेज किया भैया ये सामान लगवाना है प्राइस बतला दो, मैंने भैया को प्राइस बतलाया, आज भैया फ़ोन भी नहीं किया अचानक ही आ गए, तो भैया मैंने आपसे बात बात किया था तो काम करवाना है, मैंने भैया क्या क्या करवाना, तो भैया ने लिखवाया जो वीडियो में बतलाया ऐसा कुछ नहीं है भैया, वीडियो में सारी रेट बतला रखे हैं। बिल्कुल हमारा सेम है वीडियो, आप देखो जो रेट है वो यहाँ पे भी लगेगा आपको, बाकी सारा डिस्काउंट वगैरह जो है वो हम लगा देंगे, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बाकी भैया को एक के साथ साथ डिस्काउंट भी दिया है और काम भैया बतलाए ने कैसा काम किया, तो आप समझ सकते हैं कैसा काम किया। तो आपको टाटा पंच में जो भी काम करवाना है नीलेश भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है और एड्रेस वगैरह जो है सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कॉल कर लोगे तो अच्छा, आने से पहले आपकी गाड़ी बुक हो जाएगी और आपको अच्छे से सारे टाइम देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी थैंक यू।